तो दोस्तों बचपन में बच्चों का तुतलाना बहुत ही आम बात होता है, लेकिन अगर 5 वर्ष के बाद भी बच्चे तुतलाना शुरू कर देते हैं तो यह माँ बाप को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए ताकि आपको इसके बारे में सही से जानकारी चल सके और आप अपने बच्चों का तुतलापन बंद कर सकें। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से नुस्खे हैं जिसका प्रयोग करने से आप अपने बच्चों के तुतलापन का इलाज कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर 1 है आंवला। जी हाँ, इसे आयुर्वेद में उच्च कोटि की दवा माना गया है। आंवला एक बहुत ही दिव्य औषधि के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह कई रोगों का इलाज करने में सक्षम है। शिशु को कई दिनों तक चुटकी भर आंवला पाउडर गाय के घी के साथ देने से तुतलाना ठीक हो जाता है। नंबर 2, छुहारा। बच्चे की आवाज में अगर तुतलापन है तो छुहारा खाने से भी फायदा मिलता है। छुहारा एक ऐसी घरेलू इलाज है जिससे शिशु की आवाज साफ होती है। शिशु को रात को सोने से 2 घंटा पहले आधा छुहारा खिला देना चाहिए। तीसरा नंबर, मक्खन और बादाम। रात को सोने से पहले कुछ बादाम भिगो दें, सुबह बादाम को बाहर निकाले छिलके को उतार दें और इसे मक्खन के साथ बच्चे को खिलाएं। देखेंगे उनका तुतलापन धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। नंबर 4, मिश्री। शिशु के तुतलाहट को दूर करने के लिए मिश्री भी एक बेहतर घरेलू इलाज है। शिशु को बादाम के साथ थोड़ी मिश्री देने से भी उसकी तुतलाने की समस्या दूर होती है। नंबर 5, ब्राह्मी तेल। ब्राह्मी के तेल से शिशु के सर की मालिश करने से धीरे धीरे उसकी तुतलाने की समस्या खत्म होती है। नंबर 6, अदरक। शहद के साथ अदरक मिला के बच्चे को चटाने से उसकी तुतलाने की समस्या बहुत हद तक समाप्त हो जाती है। तो हमने आपको 6 पूरा उपाय बताया, आप इसमें से किसी भी उपाय को करके देखिए, आपके बच्चे की तुतलाने की समस्या खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आज की जानकारी बस यहीं तक। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने मित्रों में दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।